भविष्य की चिंता में अधिकांश लोग अपना आज यानी वर्तमान समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं, जबकि धर्म के अनुसार अगर हम अपने कर्म करते रहेंगे तो हमारा भविष्य स्वतः ही सुधर जाएगा। दोस्तों, सुखी जीवन जीने का एकमात्र सूत्र है कि भूत की और भविष्य की चिंता ना करें और अपने वर्तमान समय में ध्यान दें। दोस्तों, अक्सर हम लोगों को भविष्य की चिंता करते हुए देखते हैं कि हमारे साथ क्या होगा, जबकि दोस्तों हमें अपने अगले पल का ही नहीं पता होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो इसलिए हमें अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए और इसीलिए हमें अपने वर्तमान समय में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए और कल की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आप सभी के साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि आप इस स्टोरी से इंस्पायर होंगे और आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। पुराने समय की बात है, एक गांव में ढोंगी ज्योतिष रहा करता था। वो हमेशा गांव वालों के सामने अपने आप को बड़ा ज्योतिष बनने का ढोंग करता था और रोज रात को तारों को देखा करता था और गांव वालों से बोलता था कि मुझे तारों की भाषा पढ़नी आती है, क्योंकि तारे हमें हमारा भविष्य बताते हैं और इसीलिए गांव के भोले भाले लोग उसकी बातों में आ जाया करते थे, क्योंकि वो तारों को देखकर उनका भविष्य बताया करता था। एक दिन की बात है, वो तारों को देखते देखते कहीं जा रहा था। वो तारों को देखने में इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो एक कीचड़ के गड्ढे में जा गिरा। अपने आप को उस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए उसने काफी प्रयत्न किया, लेकिन उसका प्रयत्न नाकाम रहा और आखिरकार वो गड्ढे से नहीं निकल पाया। तभी उसने गांव के लोगों को आवाज लगाई और गांव के लोग उसकी आवाज सुनकर उस गड्ढे के समीप आ पहुंचे और उसे रस्सी की मदद से बाहर निकाल लिया, क्योंकि गांव के लोग उसकी आदत को जानते थे कि तारों को देखते देखते ही वो गड्ढे में जा गिरा होगा। लेकिन अब गांव के लोग ज्योतिष की सच्चाई जान चुके थे कि वो कोई ज्योतिष नहीं है, वो सिर्फ एक ढोंगी है, और इसीलिए गांव वालों ने उसे यही बोला कि जब तुझे ही अपने आज के बारे में नहीं पता था कि तेरे साथ आज क्या होने वाला है, तो तू हमारे भविष्य के बारे में क्या बताएगा, तो तू हमारे भविष्य की चिंता छोड़ दे और अपने वर्तमान समय की चिंता कर और तभी तेरा जीवन सफल हो पाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने वर्तमान समय में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज किए हमारे कर्म ही हमारे कल को निर्धारित करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान समय यूं ही बर्बाद ना करें, अपने वर्तमान समय में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें ताकि आपका आने वाला कल स्वतः ही सुधर जाए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताइएगा और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।